हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की। देखिए, अगर पाइथन प्रोग्रामिंग में आप एक मॉड्यूल चलाना चाहते हैं जो कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए यूज होता है, मैं आपको दिखाता हूं वो कोड भी और वो मॉड्यूल भी। ठीक है, देखिए वो मॉड्यूल है टीके इंटर, ये देख सकते हैं। अब इस मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना है अपने पाइथन में, तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, सवाल यही है। और ये कोड आप देख सकते हैं, कोड तो ये रहा आपका, ये देख सकते हैं ये कोड है। अब इसमें कई सारे फंक्शंस वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन फिलहाल है कि हम लोग टीके इंटर इसमें कैसे लेके आएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ नीचे जो है पाइचाम में ये जो पाइथन 3.10 जो दिया गया, यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे क्लिक करके इंटरप्रेटर सेटिंग पे चले जाइएगा। जैसे ही इंटरप्रेटर सेटिंग पे जाते हैं तो ये इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये प्लस का साइन, यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको टाइप क्या करना है, टीके इंटर। ठीक है, टीके इंटर टाइप करना है, INTER। तो यहाँ पे जैसे ही टीके इंटर टाइप करते हैं तो यहाँ पर टीके इंटर मॉड्यूल आ जाएगा और यहीं से आपको इसे डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है, आपको टीके इंटर ही डाउनलोड करना है और कोई मॉड्यूल डाउनलोड नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये टीके इंटर आपको यहाँ से मिल जाएगा और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आप इंस्टॉल पैकेज पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पैकेज इंस्टॉल होने लगेगा और थोड़ी ही देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि ये कितनी जल्दी इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पर एक मॉड्यूल हमने इंस्टॉल कर लिया है अपने इस प्रोग्राम के अंदर। अब इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है, कुछ इस पे चेंजेस आते हैं या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ये कैलकुलेटर बनता हुआ सा नजर आ रहा है हमें, और ये कैलकुलेटर यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ, देखिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है, अगर कोई भी नंबर मैं डेसिमल में एंटर करता हूँ तो डेसिमल एंटर करते हैं और ये डेसिमल टू बाइनरी पे क्लिक करना, ये जो दिख रहा है ना डेसिमल कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, ये कन्वर्ट पे क्लिक करने से नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर जैसे डेसिमल टू बाइनरी करेंगे तो देखिए इसका कन्वर्जन आ चुका है, कन्वर्जन बिल्कुल सही आया हुआ है। लेकिन अगर कोई बाइनरी टू डेसिमल करना हो तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये बाइनरी है और इसको बाइनरी टू डेसिमल पे क्लिक करेंगे तो देखिए बाइनरी टू डेसिमल 111.7 होता है, देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कन्वर्टर आप बना सकते हो। ठीक है, और ये कोड आपको लिखना होगा, ये कोड डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये टीके इंटर मॉड्यूल आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, और ये काफी यूजफुल भी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, और फिर यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी गई है, इसी तरीके से यहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल फिर बनाया गया, फिर इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, फिर क्लियर आउटपुट नाम से बनाया गया, फिर इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस बनाए गए हैं और जिनकी मदद से ये कराया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम ठीक लगा होगा, और अगर आप ये डिटेल में चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डिटेल में इसे बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।